नई खबरें और ताज़ा अपडेट के लिए हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं और घंटी बजाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, उद्याना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पढ़ाई से वंचित और आर्थिक हालातों की मजबूरी के चलते दुकानों पर काम करने वाले बच्चों को स्कूलों तक लाने के उद्देश्य से मुस्कान की ओर से नववर्ष का पहला दिन गौशाला में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके बच्चों के साथ मनाया गया। इस मौके पर गौशाला प्रबंधक कमेटी के प्रधान फकीरचंद गोयल व नन्हे मुन्ने बच्चों ने केक काटकर नववर्ष की खुशी मनाई। इस मौके पर अध्यापक नेता भगवंत बटेजा, बीपीईओ सोम गांधी, मुस्कान संस्था के संरक्षक गगन चुग, हैप्पी मनोचा, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के अलावा नौजवान सभा के सदस्य मौजूद थे। संस्था के संरक्षक गगन चुग और अध्यापक नेता भगवंत बटेजा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्कूलों तक पढ़ाना ही नहीं बल्कि उनकी हर संभव मदद करना भी है ताकि वे बड़े होकर अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत आज असी शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों नूं शिक्षा दे वास्ते कोई भी बच्चा लेबर करके या पैसे करके कोई भी शिक्षा तो वंचित ना रहे उस दे अभियान अज गौशाला तो शुरू कर रहे हैं। मेरे नाल बीपीओ सोम गांधी जी भी नाल ने, भगवंत बटेजा जी, प्रदीप जी, हैप्पी मनोचा जी, सारे अज आए हैं बच्चों नूं जागरूक करने वास्ते ताकि ये बच्चे सारे पढ़ाई करन ते तरक्कियां करन। नवा साल अज बच्चों नाल केक कट के ते उन्हां नूं पार्टी करके मना रहे हैं। मुस्कान प्रोजेक्ट जिहड़ा है छोटे बच्चों नूं स्कूलों के नाल पढ़ाई दे नाल जोड़न लई असीं चलाया सी। उसकी शुरुआत असीं अज इत्थे गौशाला अबोर तो करन जा रहे हैं कि जिहड़े बच्चे स्कूलों के विच नहीं जांदे असीं उन्हां नूं जागरूक करना है। अबोर के विच हुण हरेक एरिए दे विच किसान नगरी होर भी जिहड़ा भी सलम एरिया है जिहड़े बच्चे स्कूलों में नहीं जांदे असीं हर हफ्ते उत्थे मीटिंग करके उन्हां बच्चों नूं उन्हां दे पेरेंट्स नूं जागरूक करांगे ते उन्हां बच्चों नूं स्कूलों के विच दाखिल करावांगे।